बात करेंगे। गरियाबंद में दो पुलिसकर्मियों ने खाकी को दागदार करने का काम किया है। दो पुलिसकर्मियों को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनमें एक पुलिस आरक्षक और एक नगर सैनिक शामिल है। मामला छोरा थाना से जुड़ा हुआ है। मामले का खुलासा करते हुए SDOP संजय ध्रुव ने बताया है कि दोनों के खिलाफ लंबे वक्त से तस्करी से जुड़े होने के साक्ष्य सामने आए हैं। केजीआमा में दो गांजा तस्करों के पुलिस गिरफ्त में आने के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्यवाही करते हुए कुल चार लोगों को जेल भेज दिया है, जिसमें एक आरक्षक, एक नगर सैनिक और दो स्थानीय ग्रामीण शामिल बताए जाते हैं। छोरा क्षेत्र के केजीआमा गांव से जिसमें मुख्य सूचना पर रेड कवर किया गया था। रेड कवर के दौरान योगेश ठाकुर और भुगेश्वर से 3.6 केजी गांजा बरामद हुआ था। इसमें एक आरक्षक और एक सैनिक की भी क्षमता पाई गई है। अतः चारों के खिलाफ 20 का NDPS कार्रवाई की जा रही है। भिंड जिले के